तो दोस्तों इस साल टीम आरसीबी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। दोस्तों टीम आरसीबी के हर खिलाड़ी ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया और दोस्तों लग रहा था कि सर टीम आरसीबी जब ना खिताब जरूर जीतेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो आईपीएल को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गई और दोस्तों यूएई के अंदर हमें बचा हुआ जो आईपीएल है वो देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में दोस्तों एबी डिविलियर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे दिया यहाँ पर टीम आरसीबी के ऊपर। और दोस्तों इसी के साथ डेविड वार्नर को लेकर आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर टीम आरसीबी को लेकर काफी बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल सामने आ गए। और दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल दोस्तों हाल ही में यहाँ पर एबी डिविलियर्स ने टीम आरसीबी के ऊपर और टीम आरसीबी के खिलाड़ियों के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर टीम आरसीबी का हर खिलाड़ी इस साल काफी ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ कमियां पर टीम आरसीबी की परफॉर्मेंस के ऊपर लगी है। और दोस्तों पहली उन्होंने कमी बताई है वो है यहाँ पर दोस्तों टीम आरसीबी की गेंदबाजी की। दरअसल दोस्तों एबी डिविलियर्स ने कहा है कि यहाँ पर टीम आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें उन्हें कमियां देखने को मिली है। और यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर टीम आरसीबी के पास कोई भी एक प्रॉपर डेथ ओवर गेंदबाज नहीं है और इस चीज का काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर टीम आरसीबी को देखने को मिला है। और यहाँ पर टीम आरसीबी को कैसे भी करके इस कमी को कंप्लीट करना पड़ेगा, इस कमी को निकाल के फेंकना पड़ेगा अगर यहाँ पर टीम आरसीबी ट्रॉफी जीतना चाहती है तो, नहीं तो यहाँ पर ऑपोजिट टीम को इस चीज का काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है और अंतिम ओवरों में ही सबसे ज्यादा रन डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर अंतिम ओवरों में अगर रन रोक लिए जाए तो यहाँ पर मैच बखूबी अपने हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर एक तो यहाँ पर उन्होंने कमी बताई यहाँ पर डेथ ओवर गेंदबाजी की, और वहीं दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर कप्तान विराट कोहली को नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर उनका कहना है कि अगर कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं तो यहाँ पर ज्यादा लंबा खेलते हैं ऐसा देखा गया है, और जैसे उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट किया तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे थे किसी भी मुकाबले में। हालांकि एक मुकाबले में जब यहाँ पर जयदत्त पड्डीकल की सेंचुरी लगी थी तो उस मुकाबले में अंत तक टिके रहे थे, लेकिन उस मुकाबले को छोड़कर यहाँ पर लंबी पारी की जो आशा की जाती है कप्तान विराट कोहली से वो नंबर 2 के लिए नहीं है, नंबर 3 पर वो बेस्ट रहेंगे। अगर यहाँ पर कप्तान विराट कोहली इस सजेशन को अपनाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा टीम आरसीबी के लिए भी। तो दोस्तों इन कमियों से दोस्तों यहाँ पर एबी डिविलियर्स के सजेशन से आप सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वहीं बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है आईपीएल 2021 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर बहुत से आईपीएल फैंस हैं उनके मन में सवाल उठ रहा है कि अब जो सब कुछ फाइनल हो चुका है यहाँ पर खिलाड़ियों से लेकर अन अवेलेबल अवेलेबल खिलाड़ियों को लेकर, यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग डेट और फाइनल डेट को लेकर, यहाँ पर स्टेट वेन्यू सब कुछ फाइनल हो ही चुका है तो यहाँ पर अभी तक शेड्यूल जो है अनाउंस क्यों नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के लिए यहां पर दोस्तों फाइनल रिप्लाई आ चुका है बीसीसीआई की तरफ से। और दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और दोस्तों जैसे ये खत्म होगी इसके तुरंत ही 2 या 3 दिन के गैप के तुरंत बाद ही आपको ऑफिशियली यहां पर आईपीएल 2021 के बचे हुए जो फेज 2 है उसका पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, वो भी ऑफिशियली। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर फिलहाल तो यहां पर सभी की जो मेन खिलाड़ी हैं इंडिया के भी मान लीजिए और दोस्तों न्यूजीलैंड के भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो दोस्तों अभी WTC उनकी पहली प्राथमिकता है, और यहाँ BCCI भी इसको कैसे भी कंप्लीट करवाना चाह रही है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि वेदर कितना खराब हो रहा है यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, और इसी कारण जो मैच है उनको करवाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पर BCCI को भी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके थोड़े ही दिनों का आपको अब इंतजार करना है, और दोस्तों जैसे ये WTC जो कंप्लीट होता है तो वैसे ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से 28 इसी मंथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आईपीएल 2021 का पूरा शेड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली वेट ओवर हो चुका है और दोस्तों BCCI ने एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दे दी यहाँ पर सभी आईपीएल फैंस के लिए। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वही बात करूं आज की हमारी तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है डेविड वार्नर की तरफ से। दरअसल दोस्तों हाल ही में यहाँ पर डेविड वार्नर का एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू चल रहा था, और दोस्तों इस इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर दोस्तों उन्होंने
आईपीएल को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों का कहना है कि वो अपना बेस्ट देते आए हमेशा आईपीएल के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमेशा देखा गया है, यहाँ पर एक टाइम होता है हर खिलाड़ी का, उस टाइम के जाने के बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। और दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने मुझसे कप्तानी तो छीन ली और इसके बाद मुझे प्लेइंग 11 से भी निकाल दिया। हालांकि दोस्तों एक इंसान होने के नाते मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि मैं आईपीएल ऐसा करके छोड़ दूंगा। और अगले साल लैम्बर्ट अगर मेरे को हैदराबाद की टीम रिलीज करती है और अगर मुझ पर कोई भी टीम भरोसा जिताती है आईपीएल के अंदर, तो मैं उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू ने एक सवाल पूछा, इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू ने उनसे पूछा कि आपके मुताबिक आपका कौन सी टीम के अंदर खेलने का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली पूरा नाम तो नहीं लिया है किसी टीम का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो एबी डिविलियर्स को काफी ज्यादा मानते हैं, उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वह ऐसी टीम में खेलना जरूर चाहेंगे जिसमें कि एबी डिविलियर्स हो। दरअसल दोस्तों का कहना है कि एबी डिविलियर्स का मैच वो एक अलग ही इंटरेस्ट के साथ देखा करते हैं पूरी फैमिली के साथ, और अगर यहाँ पर एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी के साथ उन्हें खेलने का मौका मिले तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एबी डिविलियर्स को तो आप जानते हैं, पूरी दुनिया में अगर किसी खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्रिकेटर को पसंद किया जाता है, तो उस लिस्ट में डेफिनेटली यहाँ पर एबी डिविलियर्स का नाम तो आएगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा करके आप समझ ही गए होंगे कि इस टीम की बात यहाँ पर डेविड वार्नर ने की है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा अगले आईपीएल के ऑक्शन के अंदर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आज के यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबर के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।